तो क्या माना जाए कि जब सारे कुछ प्रशासन के संज्ञान में आने अखबार हो तो एसपीडीसी छुट्टी पे चले जाते हैं और घटना के तौर पर जहाँ हजारों पुलिस कर्मी होंगे वो सेंटर होंगे, क्या कहेंगे? यही तो नाकामी है। इसी तरीके का कह रहे हैं कि क्यों इसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, जिसकी प्रायर जो है सूचना और जिन हालातों पर उनके जो है उनकी नजर में करा दिया गया था, ये कहने के बजाय मैंने आपको अखबार की छाया करा। जब इस तरीके के बात हो रही थी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उचित कार्रवाई करती। अभी भी तो इन्होंने जलाभिषेक कराया, अगर उसका 10% भी इंजाम उस दिन कर देते 31 तारीख को, तो हम दावे के साथ कह सकते ऐसी घटना जो है घटी है वो बिल्कुल अंजाम नहीं करने के दीजिए। लेकिन इन्होंने इस मामले को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका से लिया और हम ये आपके माध्यम से मांग करते हैं, जो भी इसके दोषी है, इस क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे को दोष है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के जज की मांग कर रहे हैं कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, ये अपनी कमी को ना कोई आज तक इन्होंने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई काम किया, ना उसके खिलाफ कोई नोटिस किया, ये इलाके का जो है भाईचारा जो है इस पे खराब हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। इसी वजह से सिटिंग हाईकोर्ट की तरफ से आपने जिक्र किया कि निर्दोष लोगों को जो है फंसाया जा रहा है, दोषी को छोड़ा जा रहा है, कुछ पैसा का भी लेन देन हो रहा है इनके छोड़ छाड़ने में, क्या कहेंगे? मुरादाबाद गांव से 1 तारीख की सुबह 4 बजे 18 नवयुवकों को उठा, मेवली से 10 गांव बच्चों को उठाया जाता है, उनका जो है कोई लेना देना। नूह शहर के एक हमारा कुरैशी परिवार है, उसके 5 बच्चों को 6 बच्चों को 6 दिन बाद लाके डाल दिया जाता है, वो कोई आगरा था कोई कहीं था। तावड़ू में एक बच्चा जो है जिसकी जमानत हुई है उसकी गुड़गावा की हाजिरी, लोग ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़ के आ रहे थे, जो पकड़ा गया उसे अंदर कर दिया। इन्होंने तो ये करा और पैसे लेके पूरी तरीके से मतलब जो है लोगों ने बताया है लाखों रुपए का हेर फेर एक एक आदमी को छोड़ने में पुलिस की यहाँ के ने ये कार्य किया है और इसीलिए निर्दोष को जो है पकड़ के इन्होंने करा है। दोषियों को पकड़े, खूब पकड़े, हम उसके विरोध में नहीं है, बिल्कुल दोषियों को जिसने जो किया है उसको करें, लेकिन बिना इंक्वायरी जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है, सर्च ऑपरेशन के नाम पे गांव के गांव खाली करे गए, उनके गांव में ऐसा डर हो गया कि निर्दोष लोग भी अपने गाँव को छोड़ के चले गए जंगलों में पहाड़ों में लोगों ने कहा है। ये कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी जो कार्रवाई करी गई है उसके हम खिलाफ है और इसीलिए हम मांग करते हैं सारे मुकदमों की SIT बना के, IG रैंक के और IPS लेवल के SIT में मेंबर हूँ, वो सारे मुकदमों की जांच करे और निर्दोषों को जो है उनको करे, दोषियों को सबको हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दे और जो उनका दोष है उसके अनुसार कानून में कानून। 31 जुलाई को नूह में घटना होती है, उसके बाद नूह में आज तक कोई घटना नहीं होती, उसके बाद दूसरे पड़ोसी जिलों में पड़ोसी उनमें ये घटना फैलती है, लेकिन नूह में अभी 325 के आसपास गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ और भी दूसरे जिलों में कम गिरफ्तारी, क्या कहेंगे इसके बाद? यही तो माहौल इस प्रदेश सरकार की, यही तो जो है इसी में तो इनकी जो है बदनीयती नजर आती। 31 को तो एक दिन का हो गया, वहां अब तक भी कार्य हो रहे हैं, घृणा नफरत का जो माहौल है जो उसमें फैला के उस कदर कर दिया है आज तक भी, अरे मस्जिद ने किसी का क्या बिगाड़ा, इमाम ने किसी ने क्या बिगाड़ा, ये निर्दोष जो है बेचारे अपने खाने कमाने के लिए वहां जाते हैं कमाने का, उन्होंने क्या बिगाड़ा, उनको नौजवान है हमारे जानने में आज डर व्यक्त है बाहर जाके लड़कन का, और ये पूरे हरियाणा के 2-1 दर्जन से ज्यादा शहरों में इस तरीके का माहौल को रोकने में ये सरकार नाकामयाब रही है, इसलिए हम हाई कोर्ट की जो न्यायिक जांच जो है होए, जिससे जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। एक IPS अधिकारी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए, क्योंकि मुझसे हथियार छीने गए, सरकारी कारण में पानी डाली, उसकी जमानत जल्दी हो जाती है और काफी अभी के अभी जमानत नहीं, क्या कहेंगे कहीं इसमें प्रशासन के ढील दे रहा है? ये तो जो है सरकार को और प्रशासन को जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्यों जो दोषी हैं जिनकी वजह से हुआ उनको तो दोष मुक्त करके उनको तो जमानत हो जाए और जो निर्दोष हैं उनको अभी तक वो जो है झूठे मुकदमा फंसा दिया जाता है, यही तो प्रशासन की लगा रहे हैं, इसीलिए तो ये प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से हम
चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो जिससे दूध का दूध पानी हो और सरकार जो कठघरे में खड़ी है उसको हम ये दिखा सके कि किसकी गलती है और क्या आप लोगों की जिम्मेवारी थी, क्यों राजधर्म नहीं दिखा।